वहीं मवेशियों की खरीद बिक्री के लिए केंद्र सरकार के नए कानून पर मेघालय के सीएम मुकुल संगमा ने News24 से बातचीत की। सुनिए। पशु मंडियों में वध को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जानवरों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है और इसको लेकर नया कानून भी लाया है, लेकिन इस पर बवाल शुरू हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने विरोध जताया। हमारे साथ मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा है। सर, आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के अलावा पूरे देश में इसको लेकर खासतौर पर जो गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पर एतराज जताया है? ये तो सारा देश में प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। आप एक चीज देखिए, ये सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल एक्ट 1960 को मिसयूज कर रहा है कि ये कंप्लीटली टू एक्चुअली मेक इट इम्पॉसिबल फॉर ट्रेडिंग ऑफ कैटल। स्पेसिफिकली इसके लिए प्री डिटरमिन्ड मोटिव है। ये देश एक देश है जो विद अ होल इनहेरेंट डाइवर्सिटी, एक इंक्लूसिव नेचर का देश है। सो दिस पर्टिकुलर एक्शन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द इंक्लूसिवनेस ऑफ दिस ग्रेट नेशन। सरकार की जो राय है या केंद्र सरकार की सोच खासतौर बीजेपी के बड़े नेताओं की अलग अलग है। केरल में या नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उस बारे में अभी तक साफ कोई से अपनी बात नहीं रखी जा रही है। बीजेपी तो आरएसएस का एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, तो उनका बीजेपी का जो दूसरा स्टेटों में नेता जो लुक है उनको थोड़ी मालूम है कि क्लोज डोर में उनका हिडन एजेंडा का क्या चर्चा हो रहा है, क्या प्लानिंग हो रहा है। ये तो पूरा प्री डिटरमिन प्लानिंग से कर रहा है। उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पे हाई लेवल पे जितना भी बसपा का लीडर्स है आरएसएस का साथ मिलके ये प्लानिंग कर रहा है। उनको क्या पता है ये कहाँ डेवलपमेंट का एजेंडा है? ये सबका साथ, क्या बोलते थे, सबका विकास, सबका विकास। ये थोड़ी सबका साथ सबका विकास है। हम कौन है? कोई तो बीफ खाने वाला होगा, कोई कैटल फार्मिंग करके अपना लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉलो अप करने वाला होगा, कोई ट्रेड करने वाला भी होगा कैटल में। धन्यवाद मुकुल संगमा साहब, मेघालय के मुख्यमंत्री। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये कानून लाया गया, इस कानून के खिलाफ पार्टी से अलग होकर सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी राजनेताओं को एकजुट होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नंदन के साथ अमन कुमार, दिल्ली, News24।